गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। गाइस, आपने देखा होगा कि कई बार वेब पेज पे जो हमारा डाटा है वो एक टैबुलर फॉर्म में शो होता है, जहाँ पे कुछ कॉलम्स होते हैं, कुछ रोज होते हैं। तो अगर हम इस टैबुलर फॉर्म में जो डाटा है उसे स्टाइल देना चाहते हैं, यानी कि उसके ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज हम CSS में टेबल्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा कोई टेबल है और उसमें जो हेडिंग्स हैं और जो एक टैबुलर डाटा है, एक पूरे जो हमारा टेबल है उसके अराउंड हम एक बॉर्डर देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना स्टाइल टैग में एलिमेंट्स मेंशन करने होंगे। जैसे कि टेबल है TH जो मेरी हेडिंग है, TD मेरा टैबुलर डाटा है, और वैल्यू प्रॉपर्टी देनी होगी बॉर्डर, और वैल्यू हम कोई भी दे सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 1 pixel सॉलिड ब्लैक वैल्यू दी, या जो भी हम बॉर्डर देना चाहते हैं वो हम वैल्यू दे सकते हैं। अब जो मेरा टेबल है उसमें जो मेरे TH एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो मेरे हेडिंग्स हैं, वो सारी जो बाय डिफॉल्ट होती हैं वो सेंटर अलाइंड होती हैं, और जो मेरे जो TD के एलिमेंट्स हैं, यानी कि मेरा जो टैबुलर डाटा है पूरा, उसका जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे लेफ्ट अलाइंड होते हैं। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इनकी जो जो मेरी ये पोजीशन है उन्हें चेंज करूँ, जैसे कि उनमें मैं लेफ्ट से राइट करना चाहती हूँ या सेंटर में लेके आना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे स्टाइल टैग में टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी देनी होगी, और वैल्यू मैं कोई भी दे सकती हूँ, जैसे कि लेफ्ट, राइट और सेंटर। इससे जो मेरी पोजीशन है जो बाय डिफॉल्ट सेंटर में है या लेफ्ट में है, वो पोजीशन चेंज कर सकती हूँ। अब जैसे कि मेरा जो टेबल है उसके अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है और जो टेबल के अराउंड मेरा बॉर्डर है उसके बीच में जो स्पेस है, मैं उसे चेंज करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे पैडिंग प्रॉपर्टी लगानी होगी स्टाइल टैग में, और वैल्यू में कोई भी दे सकती हूँ पिक्सल्स की फॉर्म में। जैसे कि मैंने 10 pixel दे दी या 20 pixel दे दी, तो इससे मैं क्या कर सकती हूँ, स्पेस को चेंज कर सकती हूँ अपने जो कंटेंट है टेबल का वो, और जो मेरे बॉर्डर है उसके अराउंड। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर मुझे ये डाटा शो हो रहा है जो कि एक टैबुलर फॉर्म में है, जैसे कि कुछ रोज हैं या कॉलम्स हैं। बट अब मैं चाहती हूँ कि मैं CSS की हेल्प से इस जो मेरा टैबुलर डाटा है इस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करूँ, जिससे कि ये और सुंदर दिखे। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं ऐसी एक टाइप का एक टेबल बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर खोलती हूँ। तो ये मैंने अपना एडिटर खोल लिया। तो सबसे पहले मैं जो मेरा HTML डॉक्यूमेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो लिख लेती हूँ। तो ये मैंने जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरे एडिटर ने ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है बेसिक HTML डॉक्यूमेंट का वो डिस्प्ले कर दिया। तो ये ऐसी तरह का मैं एक टेबल बनाना चाहती थी, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, बॉडी टैग में मैं एक टेबल टैग देती हूँ। तो ये मैंने टेबल टैग दिया, ठीक है। और सबसे पहले हम हेडिंग्स जो हैं, जैसे कि जो मेरा ये टेबल था इसकी सबसे पहले हम हेडिंग्स क्रिएट करते हैं। तो ये मैंने फिर से अपना एडिटर खोला और सबसे पहले अपना TR टैग यानी कि रो टैग दिया, और अब हेडिंग टैग दिया मैंने, ठीक है। तो मेरी हेडिंग्स क्या क्या थी, सबसे पहले थी सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और टीम। तो मैं यही देती हूँ, जैसे कि मैंने दिया सीरियल नंबर, ठीक है। अब मैंने इसी को ही सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट मार देती हूँ मैं इसे, तो बाय प्रेसिंग कंट्रोल भी मैंने इसे पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और वैसे ही आगे, ठीक है। तो अब मैं चेंजेस अप्लाई कर लेती हूँ। तो मेरा जो सेकेंड हेडिंग थी वो क्या थी मेरी, वो थी मेरी रोल नंबर, और फिर थी नेम और फिर टीम, ठीक है। तो ये रोल नंबर और नेम, और ये मैंने हेडिंग दे दी टीम, ठीक है। तो मैंने ये हेडिंग, अब मैं फिर से जो मेरी दूसरी रो है वो मैं बनाती हूँ, जिसमें है ये वैल्यूज़ हैं जो, तो वो मैं बनाती हूँ TR, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे मेरी जो ये हेडिंग टैग के हिसाब से मैंने ये 1 बना दिया, ठीक है। और सिमिलरली मैं जो मेरे बाकी वो एलिमेंट्स हैं वो देती हूँ, अब क्या था 1001, और फिर थी मेरी वैल्यूज जॉन और रेड। तो ये मैं वही दे देती हूँ वैल्यूज। ये मेरा जो टैबुलर डाटा था उसमें मैंने वैल्यूज दे दी जॉन और रेड, ठीक है। ये मैंने वैल्यू दे दी, ठीक है। तो अब जो मेरी थर्ड रो है मैं वो बनाती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अपनी थर्ड रो बना दी, ठीक है। ये मैंने अपनी थर्ड रो बना दी। इस थर्ड रो में हम एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो हेडिंग में वो 3 वैल्यू थी मैं वो डालती हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने 3 दी। अब आगे मैंने TD टैग डाला और उसे क्लोज भी कर दिया। सिमिलरली मैंने बाकी 2 TD टैग्स क्रिएट करे और उन्हें क्लोज भी कर दिया। 1 सेकेंड गाइस।
ये मैंने क्लोज भी कर दिया, तो मेरी वैल्यूज क्या थी, एक तो थी 1003 और फिर था हेनरी, और मेरी लास्ट वैल्यू क्या थी, ये थी ग्रीन, ठीक है। तो ये मैंने बना दी, तो ठीक है अब मैं इन चेंजेस को सेव कर लेती हूँ और देख लेती हूँ कि मेरा जो टेबल है वो एक जो एक सिंपल स्ट्रक्चर है वो बना है या नहीं बना। तो ये मैंने ब्राउज़र खोला और रीलोड किया पेज को, तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो बन चुका है, ठीक है गाइस। एक मिनट गाइस, ये मैंने दो रोज इंसर्ट करी है ना सिर्फ, तीसरी तो करी ही नहीं, तो वो सबसे पहले मैं वो कर लेती हूँ। तो ये मैंने एक मिनट फिर से TR ट्रैक अपना क्रिएट करा और फिर मैंने अपना हेडिंग एलिमेंट दिया और सिमिलरली बाकी जो है उनको पेस्ट कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने टैग क्रिएट कर लिया। तो ये मेरी जो ये मैंने थर्ड रो बना ली थी और मैं सेकेंड वाली मिस कर गई थी, तो मैंने सेकेंड वाली रो बना ली। इसमें क्या वैल्यूज है, 1002 और यहाँ था पीटर, ठीक है, और फिर थी ब्लू। तो अपने चेंजेस को मैंने सेव कर लिया और देख लेती हूँ ब्राउज़र खोल के कि वो सेकेंड रो जो है वो बनी है या नहीं बनी है। तो ये बन गया, बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। तो अब मैं फिर से अपना एडिटर खोलती हूँ। अब जैसे कि मैं इसे एक बॉर्डर देना चाहती थी ना, टेबल को बॉर्डर देना चाहती हूँ, जो कि ये ग्रीन कलर का बॉर्डर है मेरा। तो मैंने अपना एडिटर खोला और अपना ये मैंने स्टाइल टैग लगा देती हूँ हेड सेक्शन में। तो ये मैंने स्टाइल टैग क्रिएट कर दिया, ठीक है, और इसे बंद भी कर देती हूँ। तो अब मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या थे, एक तो टेबल था कॉमा TH कॉमा जो मेरी हेडिंग थी और जो मेरा टेबल डाटा का जो पूरा कंटेंट था। तो अब मैं उसे बॉर्डर क्या देना चाहती थी, जैसे मैं 1 pixel ग्रीन कलर का बॉर्डर देना चाहती, 1 pixel सॉलिड ग्रीन, ठीक है। तो ये मैंने अपने चेंजेस सेव कर लिए और जैसे कि मैंने विड्थ कोई भी दे दी, जैसे कि मैंने विड्थ देख दी 300 pixel मैंने विड्थ दे दी मेरे पूरे जो टेबल की है, और फिर से चेंजेस को सेव करा, अपना ब्राउज़र खोला और रीलोड किया पेज को। तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का जो प्रॉपर बॉर्डर है वो मुझे मिल चुका है, जैसे कि यहाँ पे इस पे भी इस टेबल में भी दे रखा है। तो मैंने अपना फिर से एडिटर खोला और अब जैसे कि यहाँ पे मेरी जो ये हेडिंग्स इनको एक बैकग्राउंड कलर में ऑरेंज देना चाहती हूँ, उसके लिए मैंने फिर से अपना एडिटर खोला और यहाँ मैंने दिया TH एलिमेंट, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी दी और वैल्यू दिए ऑरेंज, ठीक है, और अपने चेंजेस को फिर से सेव कर लिया प्रेसिंग Ctrl+S, अपना ब्राउज़र खोला और रीलोड किया पेज को। तो आप देख सकते हैं जैसे ये मेरा एक टेबल था, ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, जो बैकग्राउंड कलर था और जो बॉर्डर था, मैंने ब्राउज़र खोला, आप देख सकते हैं मैंने एक वैसी एक पूरा टेबल बना लिया। बट अब मैं इसके ऊपर एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो मैंने अभी तक सीखी हैं वो मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने बॉर्डर तो अप्लाई कर लिया, बैकग्राउंड कलर भी दे दिया, अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ये बॉर्डर है और जो मेरे एलिमेंट्स हैं इनके बीच में मैं स्पेस क्रिएट करना चाहती हूँ, यानी कि पैडिंग देना चाहती हूँ। तो मैंने अपना फिर से एडिटर खोला और यहाँ मैंने कि जैसे यहाँ जो मेरी प्रॉपर्टी दी पैडिंग, ठीक है, पैडिंग प्रॉपर्टी दी और कोई भी वैल्यू दे दी, जैसे कि 10 pixel दे दी। चेंजेस को सेव कर लिया, अपना ब्राउज़र खोला और रीलोड किया पेज को। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने एक स्पेस क्रिएट कर दिया अपने टेबल के कंटेंट्स में और बॉर्डर के बीच में, जो स्पेस है वो क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इस वेब पेज पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे टेबल की जो हेडिंग है इनके जो पोजीशन है वो बाय डिफॉल्ट सेंटर अलाइंड है। तो अब मैं इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहती हूँ जो मेरे टेक्स्ट है हेडिंग्स का। तो उसके लिए मैं अपना एडिटर खोलती हूँ। तो यहाँ जो मेरी हेडिंग एलिमेंट था वहाँ मैंने अपनी स्टाइल की एक प्रॉपर्टी देती हूँ, जैसे मैंने टेक्स्ट अलाइन दे दी प्रॉपर्टी, और बाय डिफ़ॉल्ट जो सेंटर थी उसको पोजीशन को चेंज करने के लिए मैंने लेफ्ट दे दी। चेंजेस को सेव कर लिया और अपना ब्राउज़र खोला और रीलोड किया पेज को। तो आप देख सकते हैं मेरे जो सारे हेडिंग एलिमेंट्स थे, जो वो सारा टेक्स्ट था वो लेफ्ट अलाइंड हो गया, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर अलाइंड था। तो अब जैसे कि अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ये रोज़ हैं अगर मैं माउस उनके ऊपर लेके आऊँ तो वो हाईलाइट हों, तो उसके लिए मुझे होवर प्रॉपर्टी देनी होगी इन रोज़ के जो मेरी एलिमेंट्स हैं उन पर। तो मैंने अपना एडिटर फिर से खोला और अपना जो मेरा TR एलिमेंट था वहाँ प्रॉपर्टी TR होवर प्रॉपर्टी दूंगी मैं, ठीक है। मैंने TR होवर दी कि जब मैं माउस को लेके आऊँ तो कलर मेरा जो है वो चेंज हो जाए। तो मैंने कर्ली ब्रेस दे दिए और यहाँ मैंने प्रॉपर्टी दी बैकग्राउंड कलर, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि बैकग्राउंड हाईलाइट हो मेरी रोज़। तो मैंने इसे बैकग्राउंड कलर दिया और रेड वैल्यू दे दी
और चेंजेस को फिर से सेव करा, अपना ब्राउज़र खोला और रीलोड किया पेज को। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं होवर करा, जैसे कि रोज़ को हाईलाइट हो रही है, जैसे मैं अपना जो माउस है वो लेके आ रही हूँ इन रोज़ के ऊपर। जैसे कि मैं चाहती हूँ जो मेरा टेबल है उसका जो बॉर्डर है उसे कोलैप्स कर दूँ एक सिंगल बॉर्डर में, तो मुझे एक बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी देनी होगी। तो मैं अपना एडिटर खोलती हूँ, तो यहाँ जो मेरे हेडिंग जो जो है एलिमेंट्स थे और जो मेरा टेबल डेटा जो मेरा कंटेंट था वहाँ मैं प्रॉपर्टी दूंगी बॉर्डर कोलैप्स। तो मैंने ये बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी दी और कोलैप्स उसे वैल्यू दे दी, ठीक है, कोलैप्स वैल्यू दी और चेंजेस को सेव कर लिया और अपना ब्राउज़र खोला और रीलोड किया पेज को। तो आप देख सकते हैं मेरा बॉर्डर जो है एक पूरे सिंगल बॉर्डर में कोलैप्स हो चुका है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी इवन नंबर ऑफ रोज़ हैं इनको मैं एक कलर दूँ, बैकग्राउंड कलर दूँ। तो मैं अपना एडिटर खोलती हूँ फिर से। तो अब मैं लिखती हूँ TR NTH चाइल्ड, ठीक है, और जो मेरी इवन नंबर ऑफ रोज़ हैं मैं उन्हें एक बैकग्राउंड कलर जैसे कि फॉर एग्जांपल येलो देना चाहती हूँ, ठीक है। तो एक मिनट गाइस, मैं उन्हें बैकग्राउंड कलर येलो देना चाहती थी, तो मैंने यहाँ प्रॉपर्टी दी बैकग्राउंड कलर और वैल्यू दी येलो। चेंजेस को फिर से सेव करा, ब्राउज़र खोला, रीलोड किया पेज को। तो आप देख सकते हैं मेरी जो इवन नंबर ऑफ रोज़ थी उन्हें एक येलो कलर का बैकग्राउंड जो है वो मिल चुका है। तो गाइज़ ये कुछ आज टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ थी, कैसे हमने ये टेबल क्रिएट करा और उसके ऊपर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करी हैं, ये आज हमने सीखा। सो थैंक यू, होप सो आप सीख पाए सब।